हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी इस पार्ट में हम एटी जी पढ़ने वाले हैं। एटी जी, आप बोलो सर इसमें ऐसा क्या खास है? एक्चुअली इसमें खास क्या है कि ये प्रोविज़न कठिन माना जाता है, टफ माना जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल से ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू ये प्रोविज़न आपको ईजी लगने लगेगा। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और बुक के साथ ही हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं एटी जी की। ठीक, आइए बुक पर ध्यान देते हैं। एटी जी क्या कहते हैं सर? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, कि हम बात कर रहे हैं कि हम आपको डिडक्शन तब देंगे जब आप उन जगह पे डोनेशन देने वाले हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। मतलब अगर जो हमने बताया है वहाँ डोनेशन दोगे तभी आप एटी जी में आओगे, अगर आप वहाँ डोनेशन नहीं दोगे तो आप नहीं आओगे। ठीक, ओके। एलिजिबल एसएससी कौन है? कौन सा एसएससी एलिजिबल है? ऑल एस एस सी हु पे एनी सम एज डोनेशन टू एलिजिबल फंड्स, कि वो सभी एस एस सी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, यहाँ इंडिविजुअल नहीं लिखा, यहाँ एच यू एफ नहीं लिखा या कंपनी लिखा, वर्ड कैसे, ऑल एस एस सी यानी जितने भी पर्सन पढ़े हैं आपने, 7% पढ़े हैं तो वो 7 के 7% यहाँ पे आते हैं। हु पेज, जो कि पे करते हैं एनी सम, कोई भी सम, एज डोनेशन टू एलिजिबल फंड, जो कि एलिजिबल फंड की डोनेशन में अमाउंट डालने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो, इज़ इंटाइटल टू अ डिडक्शन, जिसमें आप पैसे डालने पर डिडक्शन ले सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, जहाँ पर हम कुछ लिमिटेशन लगाने वाले हैं आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। ठीक है, ओके, यहाँ वाली बात हमें समझ में आ गई। सर ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। देखो एटी जी क्या कहते हैं, इसमें चार कैटेगरी हैं। ठीक है, मैंने जो बुक आपके पास है अभी उसमें एक कैटेगरी ए मिलेगी, एक बी मिलेगी, एक सी मिलेगी, एक डी मिलेगी, यहाँ तक दिक्कत? सर देखो पहली बात क्या समझनी है, ए और बी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का अगर मैं एक कॉलम बनाऊँ तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिट। मतलब जो भी आप, ऐसा नहीं है कि डोनेशन कितने भी डाल दो अलाउ हो जाएगा, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लस इसमें मैं एक बात और कहूँ कि भैया ये कितने परसेंटेज है, तो सर इसमें 100% डिडक्शन आपको मिलेगा जितना आपने लगाया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट। यहाँ भी आपको, यहाँ मिलेगा आपको 50%। ठीक, यहाँ पे मिलेगा आपको 100%, यहाँ पे मिलेगा आपको 50%। लेकिन बातों को याद रखना कि यहाँ पे लेने के लिए आपको क्या चाहिए, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शन और लिमिट बताई गई है उसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक दिमाग में सेट करिए, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवाऊँ आपको इसी सेम चीज़ को, कि भैया एटी जी आपसे क्या कहता है कि अगर आप प्रोविज़न ए या बी में हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिट कुछ भी नहीं है। ए में आप डालोगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा, बी में डालोगे तो 50% मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एटी जी क्या कहते हैं आगे, सी एंड डी के बारे में कहते हैं कि भैया सी एंड डी में आपकी रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स हम लगाने वाले हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स लगाने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट अगर है अवेलेबल तो उसको 100% 50% आप देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है पहले? ओके, नोट डाउन कर लो सर आप इसे, मैंने आपके लिए, पता है बहुत सारी नोटिंग्स हैं ऐसी करके रखता हूँ जो आपको भी नहीं पता। अब सर आपकी नोटिंग हमें कैसे पता चलेगी? सही बात है, एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए स्पेशली करता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियरली समझा पाऊँ। ठीक है, ओके, आइए सर ज़रा इसको रीडिंग देते हैं, एक प्यारी सी रीडिंग। लिखा है डिटेल्स ऑफ डोनेशंस एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिटेल्स ऑफ डोनेशंस, कि जो भी डोनेशन दी जा रही है उसकी डिटेल्स क्या है और उसका अमाउंट क्या है। तो देखो ए और बी में क्या लिखा है, ए डिडक्शन में आपको 100% डोनेशन है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ओके, और डिडक्शन बी में जब आप डालोगे तो आपको 50% ऑफ डोनेशन और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आपको मिलने वाला है। यहाँ तक पहले क्लियर कर लो। ठीक, और सी एंड डी के बारे में क्या कहा है, सी कहता है डिडक्शन मिलेगी 100% की, लेकिन डोनेशन सब्जेक्टिंग टू क्वालिफाइंग लिमिट, कि आपको ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई होती है, डिडक्शन मिलेगी 50% की डोनेशन की लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। बच्चे इतना पढ़ के जाते हैं लेकिन ये अप्लाई क्या हो रहा है ये नहीं समझते। ठीक, चले तो सबसे पहले हम भूल के सब कुछ विदाउट डिडक्शन की बात करेंगे, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ओके, सबसे पहले मैं बी की बात करूंगा। अगर आप प्रधानमंत्री ड्रॉट रिलीफ फंड में अगर पैसे डाल रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा।
आप जवाहरलाल नेहरू जी के मेमोरियल फंड में अगर पैसे डाल रहे हैं, आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिडक्शन है। मतलब आप 100 रुपये डाल रहे हो तो 50 आपको डिडक्शन मिलना ही मिलना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में आप डालेंगे 50% डिडक्शन आपको मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर आप पैसे डालेंगे तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अब इसी में एक बात है, अगर आप इसको याद रखना है तो देखो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री जी और जवाहरलाल नेहरू जी प्लस इंदिरा गांधी जी प्लस राजीव गांधी जी, ठीक है, इनसे जो भी दोस्ती करता है उसे 50% की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। किसका सर? प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से दोस्ती करोगे तो 50% की डिडक्शन आपको 80C to 80U के सेक्शन में मिल जाती है, और ये सेक्शन 80G है। ठीक, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सर ए की। ओके, ए की बात करते हैं। ए क्या कहते हैं सर? देखो ए क्या कह रहे हैं, ए कह रहा है सर इतने सारे हैं, ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको रीड करने हैं। सर कब कब करने हैं? देखो, एक अभी मैं रीडिंग कराऊंगा, दूसरा आप एक बार खुद से रिवाइज करेंगे, तीसरा एग्जाम से पहले बस अपने आप आपको वर्ड्स याद आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट कौन से हैं सर, मैं पहले हाईलाइट कर दूँ। जैसे आपका ड्रग अब्यूज़, मतलब सुट्टाबाजी, सुट्टाबाजी जो लोग कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं ताकि वो मतलब कि जो नशे की लत में पड़ गए हैं उन्हें बचाया जाए। ठीक है, तो उस जगह पे अगर आप पैसे डोनेट कर रहे हैं तो 100% डिडक्शन अलाउ है। ठीक है सर, गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड, सर ये क्या है? देखो सर, हमारे भारत में आप सभी को पता है, एक जोक भी इसके ऊपर था कि एक पर्सन जो होता है, मतलब एक विदेशी और एक इंडियन में बात हो रही होती है, विदेशी और इंडियन में जब बात हो रही होती है तो विदेशी बोलता है यार पता है हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, कहीं भी अगर आप थूक भी दोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी या तो फिर 10,000 की पेनल्टी है। इंडिया बोलता है देख हमारा इंडिया कितना कितना अच्छा है, कहीं भी जाओ थूको, कहीं भी जाओ शौचालय कर दो, कुछ भी कर दो, कोई बोलने वाला नहीं। तो सर इसके लिए क्लीन गंगा फंड है। क्लीन गंगा फंड क्या है कि एक स्कीम बनाई गई है जहाँ पे पैसे डोनेट किए जाते हैं, फिर उस पैसे से जितने भी इकट्ठा होते हैं आपकी नदियाँ, आपकी रिवर की सफाई हो रही है क्योंकि उसमें बहुत कचरा हो गया। ठीक है, कहते हैं ना जाके मन का मैल धो के आते हैं, वो तो सब कुछ धो के आते हैं उधर। तो सर यहाँ पे पैसे डालोगे तो 100% अलाउ है। सर इतनी बातें क्यों बता रहे हो? एक्चुअली हमें दो चीज़ें याद रहती हैं, जो हमारी फीलिंग कनेक्ट कर पाए और जहाँ पे हम फोकस दे पाए। तो इतनी बातें मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको फोकस लगे, और फोकस लगेगा तो याद रहेगा। ठीक है, क्लीन गंगा फंड, एक्सेप्ट सम स्पेंड बाय द एसएससी ऑन सीएसआर। सर सीएसआर को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब सीएसआर इसमें नहीं आता, एक्सेप्ट सीएसआर इसमें नहीं आता। ओके, यह है स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष मतलब भारत की सफाई आंदोलन में अगर आप कुछ पैसे डोनेट करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब कुछ इसमें है वो अपने आप आपको एग्ज़ाम के लेवल से, ये तीन जरूरी थे। बाकी देखो आपको यहाँ पे मैं कुछ जो रीडिंग दे सकता हूँ वो रीडिंग दिलवा रहा हूँ इनसे की फटाफट। डिफेंस फंड हो गया, ठीक है, पीएमजी का रिलीफ फंड हो गया, नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हारमोनी, ये वही है नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, उसके बाद अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप दोगे। सीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड, कहीं पे भूकंप आ गया या फिर भूकंप की बात है यहाँ पे, भूकंप आ गया वहाँ पे आप डोनेट कर रहे हो ताकि वो लोग अपनी रिकवरी कर पाए तो अलाउ है। जिला साक्षरता समिति, ओके, एनी फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू पुअर, मतलब अगर ऐसा कोई फंड बनाया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ताकि स्टेट गवर्नमेंट आपको जाके नहीं करना, ताकि स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल रिलीफ दे पाए, मतलब दवा दारू का खर्चा दे पाए। किसको सर? गरीब लोग को। सर ये कहाँ आपको, हमने तो कभी देखा ही नहीं, देखा है आपके आसपास ना एक डिस्पेंसरी होती है, उस डिस्पेंसरी में एक लंबी लाइन सवेरे सवेरे लग जाती है, डॉक्टर जी आते हैं आराम से 9 बजे की टाइमिंग होती है, 10:30, 11, 12 बजे तक आते हैं और 2 बजे तक लंच करके चले जाते हैं, उधर आते हैं। ऐसा नहीं सेवा नहीं होती, होती है, 2 से 3 घंटे सामाजिक सेवा की जाती है। ओके, नेशनल इलनेस एसोसिएशन फंड, मतलब बीमारी है कोई, ठीक है, उस बीमारी में मतलब लोगों की मदद करने के लिए जैसे एम्स है तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे? फंड बनाया जाता है तो लोग जो होते हैं डिडक्शन उनको दी जाती है। वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ मेंटल रिट्रेडेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब क्या सर? जैसे आपने बेस्ट एग्जांपल आपको देखता हूँ, संजू मूवी आई थी उसमें क्या होता है, जो हमारे संजय दत्त जी हैं उनको मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो ड्रग्स के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि भैया अब वो बिना ड्रग्स के जी नहीं सकते। तो उसके पापा बोलते हैं कि देख तेरी मम्मी तेरे को ये गिफ्ट दे के गई थी, तो वो गाना सुनाते हैं तो वो गाना बजता है उनके कानों में, कर हर मैदान फतेह, तब वो जाके ड्रग्स की एडिक्शन से दूर हो पाते हैं, फिर अपना कैरियर बना पाते हैं।
तो मेंटल डिटरेशन क्या है कि ताकि वो बंदा अपने आप को हील अप कर पाए, अपने आप को ठीक कर पाए, अपने आप को अच्छे कामों में लगा पाए, तो उसके दिमाग को शांति देने के लिए कुछ चलाए जाते हैं। अच्छा, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, सर ये क्या है? बाय नेशनल स्टेट, ये कहता है कि भैया जैसे आपके रक्त कोष अभियान होते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड डोनेशन वगैरह के एग्जाम्पल होते हैं। आपने दिया है सर? हाँ, मैंने एक बार दिया था, एक ही बोतल दिया था, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं तो दिया था उसमें, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स फंड है, ओके, ठीक है, जैसे हमारे देश की युवा पीढ़ी क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें आप पैसे डालेंगे तो 100% डाला हुआ है। और गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सर एग्ज़ाम के समय क्या हाईलाइट है? सर एग्ज़ाम के समय देखो तीन चीज़ें याद रखनी है, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा एंड नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज, ठीक है। सर एक चीज़ याद रखना, एक्सेप्ट सी एस आर, एक्सेप्ट सी एस आर, इसमें सी एस आर नहीं आता सर, एम सी क्यू बन सकता है सर इसमें, ठीक है, एम सी क्यू अच्छा बन सकता है। तो आपने ए और बी पढ़ लिया, ए और बी की खास बात क्या है कि इस पर लिमिट नहीं लगती। अगर आप ए कैटेगरी में पैसे डालोगे तो भैया आपको क्वालिफाई लिमिट नहीं लगती, आप डालो 100% डिडक्शन अलाउ है, और बी में आप डालो आपको 50% अलाउ है, ठीक सर, समझ में आ रहा है, थैंक यू। उसके बाद सी एंड डी, सी कहता है ए एंड बी, डोनेशन इज मेड टू गवर्नमेंट। अब सी एंड डी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, कहते हैं डोनेशन इज मेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे रहे हो या एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो या एसोसिएशन को दे रहे हो या फिर इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, टू बी यूटिलाइज फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। और बाप रे, ये क्या कहा उसने, आपको समझ में आया? वो ये कह रहा है कि अगर फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हो, नहीं समझे सर, समझ में नहीं आया। देखो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि वो लोगों को समझाएं कि भैया हमें चाइना से आगे नहीं जाना है, हमें टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जाना है, पॉपुलेशन के मामले में आगे नहीं जाना है। अब एक घर में 12-12 बच्चे और उसका बाप दिन भर राहुल गांधी बुरा है, मोदी जी बुरा है, कोई ना कोई बुरा ही है हमेशा। सर आप क्या करते हो? किया ना क्रिकेट टीम, देखो 12 बच्चे ऐसे थोड़ा ना आते, इतनी मेहनत की मैंने। आप क्या कर रहे हो? देश का विकास कैसे है? बच्चे क्या काम करेंगे? खेतों में जाएंगे सर, देश का विकास होगा, अनाज उगाएंगे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए एक जगह जगह कैंपस लगाए जाते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को बैठाया जाता है, समझाया जाता है कि सर थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है, और हमारे देश की आबादी को इस मामले में आगे मत लीजिए। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो जो 12 बच्चे आपने किए उनकी जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एजुकेशन में या इस स्किल में या फिर फूड में, खाना पीना खिलाने में, उतना अगर 2 बच्चों पर करते हो तो शायद वो विदेश चले जाते हैं। ऐसी बातें सिखाने के लिए हम डोनेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कैंपस बना के लोगों को भेजती है साक्षर करने के लिए। डोनेशन इज मेड बाय कंपनी टू इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन और नोटिफाइड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स गेम्स और द स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्ट गेम्स इन इंडिया। सर समझ में नहीं आया। देखो ये है कि इसका एक सिंपल से तरीके से लॉजिक याद रखो कि 2 चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस के साथ 100% है, पहला फैमिली पेंशन, दूसरा ओलंपिक गेम्स। एग्जाम के लिए याद रखेंगे ओलंपिक एसोसिएशन में ओलंपिक गेम्स, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इन ओलंपिक जो एसोसिएशन होती है उसमें डोनेशन करना है। डोनेशन करने के बाद क्या होगा, ये ओलंपिक के जो गेम करवाते हैं, ओलंपिक के लिए जो सड़कें बनती हैं, जो डेकोरेशन होती है, जो भी स्टेडियम तैयार किया जाता है, जब टूरिस्ट भारत में आते हैं तो उसके लिए उस समय जो देश का विकास किया जाता है, तो उस समय जब भी आप इन्हें पैसे देंगे तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। लेकिन सी एंड डी में रिस्ट्रिक्शंस है, ये याद रखना है। ओके, डी, ए बी सी डी में ए क्या कहता है, डी के अंदर बात कर रहा हूँ, डोनेशन इज मेड टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। मतलब आप डोनेशन दे रहे हो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग को छोड़ के। सर फैमिली प्लानिंग को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ऑलरेडी ए में कवर्ड है ना, सी के ए पार्ट में कवर्ड है, इसलिए सर छोड़ दे, ठीक। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। डोनेशन इज मेड टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर ATG। सर ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन से हो सकते हैं? कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जिसको आपने पढ़ रखा है अपने NPO में सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया है, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स आर्ट कल्चर टू प्रमोट इट एंड दे कांट यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ देयर अर्निंग्स दे अगेन इन्वेस्ट दोज मनी टू प्रमोट देयर एक्टिविटीज।
मतलब वो जो भी कमाएंगे उसका प्रयोग वो अपने लिए नहीं करेंगे, वो सामने वाले इन द सेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए ही करेंगे, ये वो लोग हैं। ओके, डोनेशन इज मेड टू एनी अथॉरिटी कॉर्पोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। सर देखो, माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्या लॉजिक होता है? अब माइनॉरिटी वर्ड पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हर जगह दंगे फसाद हो जाते हैं माइनॉरिटी वर्ड बोलते हैं। एक्चुअली अम्बेडकर साहब ने माइनॉरिटी का वर्ड, मेरे को नहीं लगता कि जो आप समझते हो वो कहा गया है, सिजुल कास्ट और ओबीएससी एससी, मुझे नहीं लगता। माइनॉरिटी का मतलब मुझे क्या लगता है, मैं अपने सेंस से बता रहा हूँ, माइनॉरिटी का मतलब वो लोग हैं कि जिन लोगों को ऊपर उठना है लेकिन लोग उन्हें दबा रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी है। उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है और उसमें जब हम डोनेट करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये लॉ ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आता, आपको वर्ड याद रखना है, एग्जाम्पल माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसमें पैसे लगाओ। अब यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि किसी कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, ये सिजुल कास्ट है, ओबीसी है, एससी है, इन्हें प्रमोट करने के लिए डोनेशन दो तो आपको रिडक्शन मिलेगा। वैसे थोड़ा सा जातिवाद मुझे पसंद नहीं है, अगर मेरी अगर आप थॉट सुनना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि इंसानों जो हैं, इंसान जो हैं, गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से बांटा जाता है। अगर एक बंदा टीचिंग करता है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, किसी को कुछ ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण है, कोई किसी की रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय है, कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसको वैश्य कहते हैं, वैश्य मतलब व्यवसायिक, बिजनेसमैन। ओके, और दूसरा शूद्र, शूद्र का मतलब शिजुल कास्ट नहीं था, जो सबकी सेवा कर रहा है, जैसे आप कहते हो कोई चमार है वो जूते सी रहा है तो वो बुरा इंसान है, वो चमार है, शिजुल कास्ट है, उसके साथ खाना मत। ये कहने का मतलब था कि जो सबकी सेवा कर रहा है, कपड़े धोने वाला शिजुल कास्ट में आ गया क्योंकि वो सबकी मदद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में देखो, कलयुग में एक ब्राह्मण भी पुलिस बनना चाहता है, मन है अपना अपना, एक शर्मा जी हो गए या फिर अग्रवाल जी हो गए, वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो है होते ही हैं मेंटली। तो भगवान कृष्ण का कहने का इतना मतलब था कि मैं कर्मों के हिसाब से बता रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग चार टाइप के होंगे, लेकिन लोगों ने उसे अपनी जात के साथ, अपनी कास्ट के साथ डिवाइड कर दिया और उसे कहने लगे वो माइनॉरिटी। तो सर माइनॉरिटी के ऊपर मुझे और कुछ नहीं बोलना, आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि 50% में माइनॉरिटी आता है। ओके, कौन बोल के गया? भगवान कृष्ण, मजाक कर रहा हूँ। डोनेशन इज मेड टू एनी अथॉरिटी और कॉरपोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। आगे है, अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसको सर? रिनोवेशन, रिनोवेशन मतलब दोबारा से तैयार करने के लिए, किसको सर? कोई भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया या चर्च हो गया, आप इन्हें दे रहे हो पैसे, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल आर्टिक्स इंपॉर्टेंस है, और एज अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, ऐसी जगह जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर आप इन्हें रिपेयर वगैरह खर्चा कराने के लिए पैसे देंगे तो 50% अलाउड है। अब मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में किसी भी मंदिर मस्जिद को लोगों से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी डोनेशन सबको मिल जाती है, हर मंदिर चर्च वगैरह को, बट आप करोगे, उनको सहायता करोगे, 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सी एंड डी में क्वालिफाई लिमिट है। अब मेरी बात को सुनना, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, वंस मोर, ए बी सी डी, ए और बी में क्वालिफाई लिमिट नहीं है, आप डालो 100% या 50% मिल जाएगा, ए में 100, बी में 50, ओके। सी एंड डी में क्वालिफाई लिमिट है, सी में क्वालिफाई लिमिट क्वालिफाई कर जाओगे तो 100% मिलेगा, बी में क्वालिफाई लिमिट क्वालिफाई नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, क्वालिफाई लिमिट क्वालिफाई करोगे तो ही मिलेगा 50% डी के अंदर, ओके। अब सर ये क्वालिफाई लिमिट आप तब से बोल रहे हो, मतलब भी समझा दो। देखो कैलकुलेशन इजी है, कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ पॉइंट बी एंड सी अबव। पहले तो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो। सर कैसे निकाल लें? अरे भाई, आपने पांचों हेड की इनकम को जोड़ दिया, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। कंप्यूट करना है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगी? ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, श॑ॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, डिडक्शन ATC to ATU एक्सेप्ट ATG। अच्छा लिखा है यहाँ पे, मतलब आपने जो भी अभी अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिडक्शन ATC to ATU, मतलब जो भी डिडक्शन है, जैसे प्रीमियम आपने पे किया, मेडिकल क्लेम लिया, या फिर अपने बच्चे के या अपने स्टडी के लिए लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे किया, सब कुछ लेस कर दो, 80G को छोड़ देना, ठीक। अब जो आया है, अब जो निकल के आया है एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर, उसका 10% आपको लेना है, ठीक है, ओके। फिर ये स्टेप 4 एंड 5 है, ये दिए हुए हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहे, आएंगे भी नहीं,
मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, ये लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू एटी जी, एटी जी की रिस्पेक्ट में, ठीक है? ओके, मान लो 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर आपका, मान लो आपकी इनकम है 350,000 रुपये, ठीक है? आपका एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर आया है, कैसे आया है? पहले तो आपने पांचों हेड की इनकम निकाल ली, फिर उसमें से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वगैरह हटा दिया, उसके बाद एटी सी टी एटी यू की सारी डिडक्शन लेस कर दी, एटी जी को छोड़ दिया, ठीक, 350,000 आ गया। तो सर 350,000 तो हमारी एग्रीगेट एडजस्टेड टर्नओवर है, इसका 10% लो तो सर इसका 10% आता है 35,000। ध्यान से सुनना, ये जरूरी है। अब आपने ए कैटेगरी चूज की, और मान लीजिए आपने सी एंड डी कैटेगरी चूज की। अब ध्यान से सुनना, आपने साइड डिडक्शन ले ली, सी एंड डी कैटेगरी चूज की। सर सी एंड डी क्वालिफाई लिमिट क्या था? क्वालिफाई लिमिट यानी ए और बी में जो डोनेट किया वो लेस करके है क्या? हाँ, ये जो एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर आया है वो ए और बी को लेस करने के बाद ही आया है। अब दिक्कत कहाँ पे? सी और डी पे, ठीक। मान लो सी पे मैंने एक एग्जांपल सेट किया, 18,000 हमने डोनेट कर दिया, और डी पे मान लो हमने 25,000 डोनेट कर दिया, ठीक है? हम टोटल सी और डी में कितना ले सकते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर का 10%। तो जितनी भी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर आई है वो कैसे आई है, हमने बात कर लिया, तो वो कैसे आई है, जिससे भी आई है उसका 10% ले लो, 35,000। अब सी और डी की बात की गई है, तो चलो सी में लिमिट कितनी थी? 100% है, ठीक है जी, 18,000 हमने आपको अलाउ कर दिया। सर अब डी में कितना होगा? डी में कितना होगा? अब ध्यान सुनना, डी में ये कहता है आपका 25,000 हो सकता है और लेस। किससे लेस? पहले अब ये बताओ बचा कितना, आपका क्वांटम लिमिट बचा कितना? सर 35,000 में टोटल डिडक्शन ले सकता हूँ अभी भी। कैसे पता चला? एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर का 10%, तो 35,000 आ गया। 35,000 में सी में ऑलरेडी 18,000 ले चुके हैं, नहीं समझे आप? सी में ऑलरेडी 18,000 आप ले चुके हैं, तो बचा कितना? तो 35,000 में अगर मैं बात करूँ कि आपने 35,000 में से 18,000 तो ऑलरेडी क्लेम कर लिया, किसके अंदर? सी के अंदर, तो बचा कितना? आई थिंक 17,000 बचना चाहिए, ठीक है सर, 17,000 बचता है। अभी 17,000 का 50% कर दो, तो सर 17,000 का 15% कर दूंगा सर 8,500। आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 8,500 और 25,000, विच एवर इज लेस, तो यार आपको 8,500 डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, ओके, ये बात समझ में आई? मतलब ए एटी जी का ए और बी तो आप लेस कर चुके हो, अब जो बच गया है वो है आपका, अब वो क्या है आपका? वो है एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर। 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टर्नओवर आपको निकालना है, फिर आपको देखना है सी में कितना है और डी में कितना है। अब सर एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने और सेट किया आपके लिए एग्जांपल। मान लो सी में आपने डोनेट किया है 50,000 और डी में आपने डोनेट किया है 25,000, अब बताओ टोटल मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हैं? मैक्सिमम डिडक्शन हम ले सकते हैं 35,000, जिसमें सी में ही आपने 50,000 रुपये डोनेट कर दिए। तो सी में अगर आपने 50,000 रुपये डोनेट कर दिए तो यार यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 35,000। सर डी में कितना दोगे? जीरो। क्यों? 35,000 मैक्सिमम था, 35,000 आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। सर इसी की जगह अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, और इसने यहाँ पर एक भी रुपये ना लगाए हों, तो सर 25,000 डी में है। हाँ जी, 25,000 डी में। तो सर अभी लिमिट बच कितनी रही है? सर 35,000 पूरी ब्लैंक है, क्योंकि सी में तो कुछ लगाया ही नहीं था। अच्छा, सी में कुछ नहीं लगाया? नहीं, आपके पास लिमिट कितनी बची? 35,000 का 50% ले लो, आई थिंक 17,500 आना चाहिए। 35,000 का 50%, सॉरी हाँ 17,500, तो विच एवर इज लेस, तो लेस को चूज़ कर लोगे तो लेस आपका 17,500 अलाउ हो जाएगा। बताओ क्लियर हुई बात? ये प्रोविज़न आपके दिमाग में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ के जाते हैं लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, इसमें कन्फ्यूज़न आ जाती है। चलिए सर, तो मैंने आपको अदर इसमें समझा दिया कैसे काम करेगा, ये मैंने जैसे आपको बताया ना वो स्टेप ले लेना आप, ठीक है? ओके,
उसके बाद है अदर पॉइंट्स में, अदर पॉइंट्स आइए रीड करते हैं। लिखा है वेयर एन एसएससी हैज क्लेम्ड एंड अलाउड एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन, वेयर एन एसएससी हैज क्लेम्ड एंड अलाउड एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द डोनेशन द सेम अमाउंट विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन। मतलब भैया अगर आप डिडक्शन ले रहे हो 80G के अंदर तो सेम वही डिडक्शन का अमाउंट कहीं और क्लेम मत करना। सर ये पूरा 80C to 80U यही कहता है, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप क्लेम कर रहे हो तो सेम अमाउंट की सेम प्रोविजन को दूसरी जगह क्लेम नहीं करना है। डोनेशन इज इन काइंड शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। सर मंदिर में रिपेयरिंग चल रही थी, हाँ मैंने पैसे नहीं दिए, क्या दिया सर मैंने सीमेंट दे दिया, ठीक है मैंने रेत दे दी, ईंटें दे दी, सर मैं खुद चला गया, सर मैंने 4 दिन 24 घंटे मेहनत की मंदिर को मस्जिद को तैयार करने के लिए, सर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमें पैसे की बात करनी है, पैसे में डिडक्शन मिलती है। ओके नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन मे सम एक्सीड 2000 अनलेस सच सेम सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। सर यहाँ थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है मुझे, एनी मोड ठीक है और ये मे है, मे सम एक्सीड 2000। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर 2000 से ज़्यादा, वर्ड को पकड़ना है घटना नहीं है, 2000 से ज़्यादा, दोबारा से एक बार मेरे साथ बोलो, 2000 से ज़्यादा की पेमेंट अगर आप अदर देन कैश करते हो तो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी, यानी अकाउंट पे ही चेक या किसी अकाउंट में ही आपको ट्रांसफ़र करना है, NEFT कर दो ठीक है, पेटीएम आ गया आजकल, फ़ोनपे आ गया, वैसे कर लो, कैश में 2000 से ज़्यादा आप डोनेशन नहीं कर सकते वरना डिसअलाउ हो जाएगा। गुड, द डिडक्शन अंडर 80G कैन बी क्लेम्ड वेदर इट हैज एनी नेक्सेस विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। इसका मतलब क्या है सर, सर देखो ये क्या कहते हैं, एनी नेक्सेस विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, मतलब आपके बिजनेस से कनेक्शन है या नहीं है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन दी जाएगी अगर आप ये ऊपर कही हुई बातों को पूरा कर देते हैं। ओके बाकी कुछ होमवर्क्स हैं सर, ये आपको करने हैं आराम से, आंसर के साथ हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, क्वालिफाई लिमिट समझ में आ गई ना। गुड, अब मुझे आपको वो वाला बताना है जो नया सेक्शन आया है ना, उसमें अमेंडमेंट आती रहती है बहुत ज़्यादा और क्लियर नहीं है सर, मैंने भी बहुत से टीचरों को देखा और बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन की, क्लियर नहीं होता ये सर प्रोविजन। अब ध्यान से सुनना सर, 80JJAA देखो यहाँ पे मोदी जी इसे चेंज कर रहे हैं, 17-18 में भी अभी इसमें अमेंडमेंट आई हुई है, कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो आज के समय में बॉस है ना, बॉस जैसे मैं भी एक बॉस हूँ, मेरे अंदर भी 2-3 लोग काम करते हैं, हम लोग कभी भी ना नया एम्प्लॉय रखना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते, अरे यार कौन सैलरी का खर्चा बढ़ा यार, एक फिक्स खर्चा है, बंदा छुट्टी पर जाए, बीमार हो, पैसे हमें देने। तो हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी जी ने क्या कहा कि भैया आप न्यू एम्प्लॉय रखेंगे ना तो हम आपको डिडक्शन 100% तो देंगे ही देंगे, उसकी कॉस्ट जो भी लगी हो, आपकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं उसको रखने की वजह से, प्लस 30% एक्स्ट्रा हम आपको देंगे अगर आप न्यू एम्प्लॉय रखेंगे तो। मतलब न्यू एम्प्लॉय रखने की वजह से, वर्ड्स को पकड़ना, न्यू एम्प्लॉय को रखने की वजह से हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंस देने वाले। अच्छा क्या है सर प्रोविजन, आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 80JJAA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज द सब्स्टिट्यूटेड फाइनेंस एक्ट विद इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट इन 2017-18। एलिजिबल एसएससी कौन है, ऑल एसएससी हुज ग्रॉस टर्नओवर इनकम इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एंड टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज। इसका मतलब क्या है कि जिसका ऑडिट हो रहा हो, मतलब वो नहीं जो मतलब 20,000-15,000 खुद ही कमाते हैं, एम्प्लॉई रखा हुआ 2-3 हज़ार का, या फिर आप ये कह लो कि अग्रवाल हो गया या फिर सत्यम स्वीट्स हो गए, आपके आस पड़ोस की बात नहीं हो रही, हमारी बात उनकी है जिनका ऑडिट होता है। तो जो लोग ऑडिट करवाते हैं 44AB के अंदर वही लोग आते हैं जो ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। तो ऑडिट की लिमिट वगैरह क्या है ये आप PGPP में पढ़ोगे 44AB के अंदर, तो वहाँ की बात की जा रही है कि जिनका ऑडिट होता है, हम उस SSC की बात कर रहे हैं। क्या है सर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन एन अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर। मतलब आपको 30% का बेनिफिट दिया जाएगा। अब एक बात और समझनी है इसी में,
कि सर मैंने 17-18 में मान लो एक नया एम्प्लॉय रखा, उसको 10,000 रुपये मैं देता हूँ, 10,000 रुपये तो अलाउ करूंगा करूंगा, 30% एक्स्ट्रा यानी मैं उसे 13,000 रुपये टोटल देने वाला हूँ अपनी डिडक्शन के तौर पर। तो क्या सर ये 30% का 17-18 में ले लूँ, 18-19 में ले लूँ, 19-20 में ले लूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आंसर इसका है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बस एक ही बार मिलेगा और जब जब न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट होगा तब तब ही मिलेगा। तो सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे दो दोस्त थे उनको मैंने रख लिया, फिर उनके भाइयों को निकाल दिया, फिर भाइयों को रख लिया, फिर उनको निकाल दिया? नहीं, ये भी गलत तरीका है। हम न्यू जॉब की बात कर रहे हैं, उस जगह पे कोई नया बंदा आया। आप ये गेम खेलोगे ना तो मोदी जी खुश नहीं होंगे। मोदी जी चाहते हैं मित्रों हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बिजनेस इन दी प्रीवियस ईयर फॉर, अब क्या कह रहे हैं, इनकर्ड इन दी कोर्स ऑफ सच बिजनेस इन दी प्रीवियस ईयर फॉर द 3 असेसमेंट ईयर, मतलब ये जो बेनिफिट है ना खर्चे का, आप उस साल नहीं ले पाए क्या? आपको पता नहीं था क्या? आपने 80JJE पढ़ा नहीं था क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप आने वाले 3 असेसमेंट ईयर में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, आपको उस असेसमेंट ईयर में मिलेगा जिसकी प्रीवियस ईयर में आपने नया एम्प्लॉय रखा था। गुड कंडीशन द डिडक्शन वुड बी, अब देखो अब मैं एक बात बताऊँ, मेरा अभी ऑडिट नहीं होता, अभी तक तो नहीं होता, मैंने इस साल दो नए एम्प्लॉय रखे। ठीक, मैं जब ये प्रोविजन पढ़ रहा था तो मैं भी सोच रहा था यार 30% का डिडक्शन, मान लो उनकी सैलरी मान लो 30,000 जाती है एक महीने की, तो 12 महीने की 360,000 हुई, प्लस डिडक्शन मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा 30%, यानी मैं 4,68,000 रुपये टोटल डिडक्शन ले सकता हूँ उनके नाम पे, एम्प्लॉय की कॉस्ट पे। अरे वाह, मैंने ऐसा सोचा लेकिन मोदी जी ने मेरी बोलती बंद कर दी और उन्होंने क्या कहा, 44AB के अंदर आपको डिडक्शन, मतलब 44AB में आपका ऑडिट हुआ है तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। कंडीशन क्या है सर मित्रों, कंडीशन द डिडक्शन वुड बी अलाउड ओनली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, शर्तें पूरा करो सर। द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब देखो अभी CA ड्रीमर्स द एवेंजर चल रहा है, अब मैंने CA अलग कर दिया, DT अलग कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, या CA अलग था DT अलग था, दोनों को इकट्ठा कर दिया, सर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की एम्प्लॉय को ला रहे हो ले जा रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ नए बिजनेस में जो नए एम्प्लॉय आए। CA ड्रीमर्स द एवेंजर मान लो मेरा 4-5 करोड़ का टर्नओवर हो गया, अब मैंने जो एम्प्लॉय रखे उनकी वजह से मेरी 2-4 लाख जो कॉस्ट आ रही है उस पर 33% मिलेगा, उस साल नहीं ले पाया तो 3 असेसमेंट ईयर तक मिल सकता है। ओके, ये बेनिफिट मैं 3 असेसमेंट ईयर तक ले सकता हूँ, हर साल 30-30-30 नहीं, अगर आप इस साल नहीं ले पाए तो आने वाले असेसमेंट ईयर या तीन आने वाले 3 असेसमेंट ईयर में कभी भी मैं ये बेनिफिट ले सकता हूँ। अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट कर दोगे या दो को जोड़ दोगे एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। द बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द SSC बाय वे और ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि CA ड्रीमर्स द एवेंजर मान लो एक दो टीचर्स हैं वो मेरे से कहते हैं सर आप हमारे साथ आके काम करो, बात होती है फिर नहीं होती, मतलब नहीं होता तो नहीं होता। अगर मान लो CA ड्रीमर्स द एवेंजर की अभी ऐप भी बन गया है, सॉफ्टवेयर पे भी वर्क चल रहा है, अभी धीरे धीरे मैं बहुत काम करने वाला हूँ और मान लो उस पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अब इसको किसी ने एक्वायर कर लिया तो मैं था CA ड्रीमर्स द एवेंजर, मैं उनके साथ जाके शामिल हो गया, ठीक है, अब मैं दूसरे टीचर के साथ शामिल हो गया। द बिजनेस नॉट एक्वायर्ड बाय एनी SSC, अब उसने मेरा बिजनेस एक्वायर किया, मेरे एम्प्लॉई जो यहाँ के थे उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उनके लिए काम कर रहा हूँ, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट गिविंग द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर हैज़ टू बी फर्निश अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, कि भैया ये जो बातें बताई जा रही है ना आपको, ये आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल करनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने सारी कंडीशन फुलफिल की है, तभी हमें डिडक्शन मिलेगी 30% की। एक्सप्लेनेशन सुनिए सर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसमें, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है सर, चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन मुझे करवाना है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 15 आई हैव टू डिस्कस विथ यू। ये कहता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, टर्म क्या क्या है, एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट मतलब उसको हुक्का पिलाया, बीड़ी पिलाई, उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट दिया, उसको मूवी दिखाई, क्या है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 4 नंबर की थ्योरी पूछी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू 80JJAA व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल कॉस्ट, तो आप बोलोगे उसकी सेविंग बनाने का खर्चा, उसका फेसियल कराने का खर्चा, उसको मोमोज खिलाने का खर्चा, ना उन्ना ना।
टोटल इमेल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी खर्चा आप दे रहे हो, इमोल्यूमेंट्स जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, जैसी भी कर रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, मेरी जितनी मैं उतना बता रहा हूँ। इमोल्यूमेंट्स मतलब मेरे को एक पता है, उसकी जेब में, मेरे पास तो जेब नहीं है, उसकी जेब में जो आप रोकड़ा डाल रहे हो ना, पेड जो आपने उसकी जेब में डाला, और पेबल या डाल रहे हो, पेबल ठीक है, पेड मतलब डाल दिया, पेबल मतलब यार आज नहीं है, कल परसों में ले लियो, अभी फीस आने वाली है बच्चों की, दे दूंगा, डोंट वरी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में। इन दिस केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, इन दिस केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, किसकी बात कर रहे हैं, इन दिस केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर वो बिजनेस अभी है तो उसमें क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। द एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट शैल बी निल, इफ हम उसकी कॉस्ट निल मांगेंगे, अगर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ये ना हमारी टाइपिंग राइटर जी ना, अभी पहली बार बुक छपी हुई है ना, तो बहुत सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये जैसे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, तो अगली बार जब बुक प्रिंट होती है तो ये सारी मतलब जितनी भी एरर है ना वो ठीक हो जाते हैं, इसके लिए कान पकड़ के सॉरी, ठीक ओके। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सर लास्ट टाइम भी 10 ही एम्प्लॉई थे, अभी भी 10 ही एम्प्लॉई है, क्या मैं बेनिफिट ले लूँ? नहीं, लास्ट ईयर से इस साल एम्प्लॉई बढ़े हों, पहले 10 एम्प्लॉई काम करती थी, इस बार 15, पिछली बार 15, इस बार 20, वो उसने ये कहा है। इमोल्यूमेंट्स आर पेड अदरवाइज देन बाय एंड अकाउंट पे चेक, मतलब उसने क्या कहा कि भैया अकाउंट आर पेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। सर मैं कैसे पे करता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ? सर मैं ना फ़ोन पे से कर देता हूँ। अब जैसे जितने भी लोगों को सैलरी देनी है ना, मैं रितेश अकाउंट में डाल देता हूँ, रितेश सबको वो सैलरी निकाल के दे देता है। तो क्या मैं ले सकता हूँ? सर मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कैश, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, कैश में पैसे दोगे ना तो डिडक्शन अलाउ नहीं है, यू हैव टू पे अदर देन कैश। बोले एक बार मेरे से, यू हैव टू पे अदर देन कैश, ओके, इसका यही कहने का मतलब है। मतलब मैं ले सकता हूँ हाँ, लेकिन नहीं ले पाऊँगा, क्यों? मेरा ऑडिट नहीं होता, मेरी टर्नओवर ना ऑडिट लिमिट में फॉल नहीं करते, करेगी अगले साल से करेगी हाँ। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस, अगर मान लो वो बिजनेस नया नया चालू हुआ है, तो ये क्या था, एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये है न्यू बिजनेस। द एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया सर, समझ में आया क्या? नहीं, मगज में आया क्या? नहीं, दोबारा पढ़ो। द एमोल्यूमेंट्स पेड मतलब जो भी हम उनको सैलरी के तौर पर उनकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, और पेड और पेबल मतलब या तो दे दिए या तो मैं दे दूंगा, परेशान में तो भागे नहीं जा रहा, दे दूंगा। टू एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, वो उस बंदे ने, उस बच्चे ने, रितेश ने, या जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे साल काम किया, शैल बी डीम टू बी द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, उसे हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे, ठीक है ओके। मतलब एग्जिस्टिंग में दो कंडीशन है, पहली बात पिछले साल से इस साल में एम्प्लॉय में इंक्रीमेंट हुआ हो, प्लस अदर देन कैश हो, सिंपल सी बात याद रखो ओके। एडिशनल एम्प्लॉय का क्या मतलब है, अभी तक एम्प्लॉय एडिशनल कॉस्ट, अब बोल रहा है एडिशनल एम्प्लॉय, व्हाट डू मीन बाय एडिशनल एम्प्लॉय? तो सर इसे ध्यान से सुनिएगा, चार चार नंबर की शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। पहली बात तो याद रखनी है कि भैया उसको जो इमेल्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो 25,000 से ज़्यादा नहीं है पर मंथ। अगर उस बंदे की सैलरी 25,000 से ज़्यादा चली गई तो उसे हम एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, एन एम्प्लॉयड हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखो नालायक ने हर जगह ईयर की स्पेलिंग, मतलब इसे ही कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा और वैसे नालायक बच्चे, गलत टाइपिंग किया। प्रीवियस ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग। नहीं समझ में आया सर, इसमें यही कहा है कि देखो एडिशनल एम्प्लॉय हम उसी मानेंगे जो पिछले साल नहीं था इस साल आया है। दोबारा से बोलो, जो पिछले साल नहीं था इस साल आया है। पहला प्यार है, प्यार नहीं है यहाँ, एम्प्लॉय है, नया साल है उसके लिए, नया साल है, वो पिछले साल मेरी कंपनी में नहीं था इस साल आया है ओके। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि वो नया एम्प्लॉय है, दूसरी बात तो ये उसकी सैलरी 25,000 से कम है। तीसरी बात तो ये, एन एम्प्लॉई फॉर हुम द एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट, उत्तरी। इसने क्या बोला,
अंडर द एम्प्लॉई पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिशिलियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये क्या हुआ, तो समझ में नहीं आया। देखो पहली बात तो आपको पकड़नी है यहाँ पे, ये क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉई होम इंटायर कंट्रीब्यूशन पेड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसा एम्प्लॉई, ऐसा एम्प्लॉई जिससे गवर्नमेंट पे कर रही है कंट्रीब्यूशन, अच्छा, अंडर द एम्प्लॉई पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन द अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिशिलियस प्रोविजन एक्ट 1952। कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जिसका पे कर रही है कंट्रीब्यूशन, किसमें सर, ईपीएफ एक्ट में। अच्छा ये ईपीएफ एक्ट है क्या, हाँ जी ईपीएफ, ईपीएफ एंड मिसलिनियस एक्ट की बात हो रही है, कि ईपीएफ एक्ट की बात कर रहे हैं कि ईपीएफ में जिसमें गवर्नमेंट पैसा डाल रही है वो एडिशनल एम्प्लॉय में माना जाएगा। अच्छा एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 डेज, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। सर देखो इसी को कहते हैं लॉ को पढ़ना, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो जब भी आप पढ़ोगे आपकी पढ़ते समय निगाहें शार्प होनी चाहिए। अभी बताओ इस प्रोविजन में आपने क्या गलती की, आपने एक लाइन मिस की है। तो सर आप ही तो पढ़ा रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो बच्चे हैं। नहीं सर, अगर आप जिस फील्ड में हो टैक्स एक्सपर्ट बनना है तो कभी भी आप ये मत कहो मैं बच्चा हूँ या मैं पहली बार कर रहा हूँ, बी लाइक प्रोफेशनल। सर क्या गलती की, एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन। पहली बात ये थी कि भैया पिछले साल नहीं थे, नए नए आए हो, ओके, अब जो नीचे हैं इन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन एंड चौथा, इन चार लोगों को एडिशनल एम्प्लॉय के डेफिनेशन से नहीं रखा गया है। पहला जिसका, अब याद हो जाएगा, अब आप गलती नहीं करोगे, देखो जिसका आर मोर देन 25,000 पर मंथ, जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है वो एडिशनल एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आता। एन एम्प्लॉई फॉर होम इंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट, जिसका इंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करती है। जैसे नॉर्मल हम क्या पढ़ते हैं, इस एक्ट में ये होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, 10% कहा जाता है, डालो आप 10% एम्प्लॉय डालेगा, 10% एम्प्लॉयर डालेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ पे कर रही है आपके बिहाफ पे तो आप एडिशनल एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आओगे, ओके। एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड फॉर लेस देन 240 डेज, मतलब अगर वो ऐसा काम है जो 365 दिन चलता है, सर वर्ड को समझना, ऐसा काम है जो 365 दिन चलता है, 360 दिन चलता है, उसमें 240 दिन कम से कम उसने काम किया हो, अगर वो 240 दिन भी काम नहीं करता है तो वो यहाँ एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा और इन केस ऑफ एन असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल, अपैरल मतलब होता है वेशभूषा, कपड़े लत्ते। एक्चुअली मेरे हिसाब से लॉ ये होना चाहिए था ऐसा बिजनेस जो सीजनल है, सीजनल मतलब जो 6 महीने चलता है, तो उसके लिए कहा है कि अगर आपने 150 दिन से कम काम किया है। तो यहाँ पे देखो हमें तो नहीं जाना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अपैरल का मतलब मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ कि जो कपड़े वगैरह बनाते हैं उनके लिए बात की गई है कि भैया अगर आपने 150 दिन से काम कम किया है, किसमें, जो अपैरल की इंडस्ट्री में काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप एडिशनल एम्प्लॉय डेफिनेशन में नहीं आओगे। ओके एन एम्प्लॉई हूज डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो भी एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएगा। सर पहली बात मुझे, मैं सब भूल गया, एक बार रिवाइज करो, पहली बात 25,000 से ज़्यादा की सैलरी वाले को नहीं लेंगे, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी आपके बिहाफ पे होल अमाउंट, आपको नहीं लेंगे, आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपको नहीं लेंगे, 240 दिन से कम काम करोगे, आपको नहीं लेंगे, और उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल में काम कर रहे हो तो 150 दिन से कम है तो आपको नहीं लेंगे। ओके उसके बाद इमेल्यूमेंट्स का क्या मतलब है, देखो भैया इमेल्यूमेंट्स का मतलब खर्चा पानी उस बंदे को जो भी आप दे रहे हो, एनी सम पेड, ए ले 100 रुपये, तो आपकी जेब में 100 रुपये हैं, हाँ सर है, ये देखो 200 रुपये का नोट है, ये लो आज फ्रेंच फ्राई लेके आना। तो क्या मैंने फ्रेंच फ्राई लाने के लिए अगर एम्प्लॉय को भेजा तो क्या ये काउंट होगा कि नहीं, सर लिखा है एनी सम पेड, मैंने उसे कुछ भी दिया, यहाँ तो ये लिखा ही नहीं सैलरी, बस उसको जाने आने के लिए दिया, कुछ भी दिया, एनी सम पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लियो ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, क्यों
क्योंकि वो मेरे यहाँ काम करता है। क्यों? मेरे यहाँ काम करता है इसलिए दिया। अच्छा, एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन, भैया हम शामिल नहीं करेंगे, किसे किसे नहीं करेंगे। एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू बाय, देखो सर यहाँ फिर से टाइपिंग की एरर, बाय पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड, एनी अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। मतलब अगर वो एम्प्लॉय 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 की बात हो रही है, एम्प्लॉय कोई भी पैसा अगर जमा करता है किसी भी लॉ में, क्योंकि लॉ ही ऐसा कहता है कि जमा करो 10%, 5%, ताकि आपका ईपीएफ एलआईसी वगैरह मेंटेन रहे, तो उस अमाउंट को सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। एनी लम सम पेमेंट पेड और पेबल फॉर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, आप कोई भी पैसा देते हो जब वो जॉब छोड़ के जाता है। सर क्या क्या देते हो? सर देखो, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी सैलरी में काउंट नहीं किए जाते। ओके फाइन फाइन, मुझे ए टी जे जे ए पूरा समझ में आ गया है। ओके गुड, उसके बाद बाकी वही है, लीव इनकैशमेंट दे रहे हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ग्रेचुटी है, सर्वेंस पे, जो भी है आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे साथ कर डालो तो मैं आपको समझ जाऊँ कि आप में दम है। सर सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने से पहले लिखा है मिस्टर ए है, कमेंस किया है उन्होंने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर 1/4/2018 को, ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज, कड़क लौंडे शामिल किए हैं न्यू एम्प्लॉयज मतलब कड़क लौंडा, हाँ, ड्यूरिंग द प्रीवियस 18-19, द डिटेल्स ऑफ हुम आर एज फॉलोज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75, 125, 50, 100, डेट ऑफ एम्प्लेसमेंट 1/4/18, 1/5/18, 1/8/2018, 1 सितंबर 2018। अब देखो ये है रेगुलर, रेगुलर कैजुअल, सर कैजुअल से क्या मुझे फ़र्क पड़ता है, देखना पड़ेगा। सर सबसे पहले ये देखो, ये बंदा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दो को तो पहले हटा दो। सर क्यों हटाया? भैया इनकी सैलरी हायर है 25,000 से, हायर है 25,000 से, तो ये तो इस सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करते। अच्छा अब ये 24,000 है, अब देखो इसमें नीचे कोई और बात की, द रेगुलर एम्प्लॉई पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मतलब वो करते हैं, द रेगुलर एम्प्लॉई पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ पे ये लिखा था कि जो नहीं करेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट उसको शामिल नहीं करना है, तो ये तो कर रहे हैं, तो आप इसे नहीं बोलोगे, बस दो ही बच्चे तो हैं जिन पर दिमाग लगाना है। अच्छा, कंप्यूट द डिडक्शन ऑफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को क्या क्या डिडक्शन है बताओ 19-20 में, इफ़ दी प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से 75 लाख का है और टर्नओवर 2.16 करोड़ है, इसका क्या लॉजिक है? सर इसका लॉजिक ये है कि ये ऑडिट करवाता है, अगर ये ऑडिट नहीं करवाता तो वो यहाँ नहीं आता। मतलब जैसे मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन नहीं ले सकता, क्यों? मैं ऑडिट नहीं करवाता, मेरा 2 करोड़ नहीं है, अपना टाइम आएगा। अब कंप्यूटर ईयर है 75 लाख, ओके। अब देखो इसके अंदर ये बताया गया है कि भैया, अब देखो 75 लाख है, एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है? तो देखो एक तो आप इसे मतलब अब ये क्वेश्चन है, अब ये आप कर लोगे यार, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बताने वाली बात है, मेरी तरफ से हो गया। अब इसमें एक चीज़ और चेक कर लेना, 250 डेज, अब पैरल नहीं है तो 250 डेज कम से कम काम किया होना चाहिए, बाकी कंडीशन जो है फुलफिल है, ठीक है, अब ये होमवर्क में है। चलिए सर इतना ही मैं इस बार अभी अभी करवाने वाला हूँ इस पार्ट में, बाकी करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।